close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all. Hello, friends. So, अभी मैं आई हूँ वडनगर गांव में आई हूँ. मोदी जी का गांव है ना, जो हमारे पीएम मोदी साहब, उनके गांव में आई हूँ. और अभी मैं हूँ ताना रीरी, यहाँ पे गार्डन है, तो वो गार्डन में मैं आई हूँ. सो फ्रेंड्स, ये है ताना. ताना थी ना जो ताना फर्स्ट बड़ी वाली, उनकी समाधि है ये वाली. और वो सामने है, वो रीरी की है. जोरदार. सो फ्रेंड्स, ये मेरी जेठानी है, वो यहीं पे वडनगर में ही रहती हैं. हाय बोलो. हाय. अभी हम इनके घर पे आ जाए हैं, फिर यहाँ से खाना खा के फिर वापस जाएंगे. फ्रेंड्स, ये मोदी साहब की स्कूल है. मोदी साहब यहाँ पे ये स्कूल में पढ़ते थे. मैं अंदर जाके वीडियो लेती हूँ पूरा. फ्रेंड्स, ये मोदी साहब की स्कूल है. मोदी साहब यहाँ पे पढ़ते थे. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. बहुत प्राउड सी फीलिंग आती है. आज मैं मोदी साहब जहाँ स्कूल में पढ़े हैं, वो स्कूल की जमीन पे मैं आज खड़ी हूँ. बहुत बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है मुझे. The storms we chase are leading us, and love.
trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Friends, अभी मैं आ गई हूँ वडनगर के रेलवे स्टेशन पे. यहीं पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, नया बन रहा है रेलवे स्टेशन. अंदर जाके मैं देखती हूँ, सब लोग बाहर बोल रहे थे कि अंदर जो मोदी जी का टी स्टॉल है वो बन गया है, सब बातें कर रहे हैं. तो मैं अंदर जाके देखती हूँ क्या है. सो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी. अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है. So friends, ये जो सामने आपको ये केबिन जैसा दिख रहा है ना, ये मोदी साहब का टी स्टॉल था. तो हाँ, उनके फादर का टी स्टॉल था ये. और इतना थोड़ा सा पोर्शन इन लोगों ने रख दिया है. अभी पूरा बाहर से थोड़ा बड़ा किया है. हाँ, रिनोवेशन किया है बाहर पे और इतना पोर्शन छोड़ दिया है. तो आप देख लीजिए मोदी साहब का टी स्टॉल वडनगर रेलवे स्टेशन पे है. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. Through the highways and on we'll go.
sun rays and the till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and I... फ्रेंड्स, मैं अभी मेरे जेठानी जो थे ना मेरे साथ में, मैं उनके घर पे अभी आई हूँ. और ये लोग अभी यहाँ पे रेंट पे रह रहे हैं, 2 साल रहने के लिए यहाँ पे आए हैं, उनके बेटे को यहाँ पढ़ाने के लिए. उनका बेटा, तो उन्होंने ये घर रेंट पे लिया है. पर घर इतना अच्छा है ना, बहुत साल पुराना है, लगभग 150 साल पुराना होगा ये घर. सो इसका अंदर से लुक बहुत ही अच्छा है, मैं आपको दिखाती हूँ. वडनगर में है ये, मेन हॉल है. पानी के स्टोर करने की जगह है. और हम लोग कितना पानी वेस्ट करते हैं, बहुत पानी वेस्ट करते हैं हम लोग. लेकिन यहाँ मोदी जी के गांव में कैसा है पता है आप लोगों को? एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है, और बहुत कम लोग यहाँ पे पानी का वेस्टेज करते हैं. तो ये हमको सीखना चाहिए इनसे. हम लोग तो कितना पानी वेस्ट करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए. ऐसा है मोदी जी का गांव और मोदी जी के यहाँ की व्यवस्था कि पानी वेस्ट नहीं होता है ज़्यादा. और ये मंदिर है, कितना अच्छा है, देखिए काम इसमें, देखिए बहुत पुराना है ये घर. मुझे ये इसकी ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छी लगी. किचन है, किचन. और ये मेरी भाभी जी, खाना हो गया, सब काम हो गया, अभी ये क्लीनिंग कर रही हैं. और यहाँ पे बर्तन करने होते हैं, पानी यहाँ पे आता है, सुबह में कपड़े बर्तन सब यहाँ हो जाते हैं. और यहाँ ऊपर में ऐसा एक थोड़ा सा जगह खाली रखा है. हाँ, वडनगर के सभी घर में ऐसी ही सिस्टम है. यहाँ से सुबह में धूप आती है तो यहाँ से प्रकाश आता है नीचे, उजाला. और जब बारिश होती है तब इसके ऊपर इसके नाप के ही टीने होते हैं, वो टीने लगा देते हैं, तो फिर अंदर बारिश नहीं आती. हाँ, देखिए मेरी भाभी क्या बोल रही हैं, बिजली की भी बचत होती है. वही है मोदी जी के घर में, यहाँ गाँव में ये सब. ये देखिए
बहुत पुराना घर है तो यहाँ पे अनाज स्टोरेज करने के लिए ये बनाए हुए हैं। 1, 2, 3 एंड 4 चार हैं ऐसे। इसके अंदर पहले अनाज भरते थे लोग। फ्रेंड्स प्लीज मेरी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो उनका बेटा यहाँ पे पढ़ता है, स्टडी रूम है तो ये सब लगाया हुआ है यहाँ पे। ये देखिए साइंस में पढ़ता है वो, और बहुत ही टैलेंटेड है मेरा भतीजा। अच्छे से बहुत अच्छे मार्क्स लाता है। हाँ दसवां में कितना आया था? 10th में 97% आए थे इसके। मिलाती हूँ मैं आपको उससे। सो फ्रेंड्स ये मेरा भतीजा है, इसका नाम हेते, और ये साइंस में पढ़ता है। 10th में इसको 97% आए थे, अभी 11th में 95% आए थे, और अभी 12th में है ना। हाँ अभी 12th में साइंस पढ़ रहा है, एक दिन डॉक्टर बनेगा। हाँ बनेगा ही डॉक्टर। और मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी मेरा ये वडनगर का टूर मैं यहीं पे ऑफ करती हूँ। अभी हम लोग घर पे जाएंगे, रात के 10:30 बज रहे हैं ऑलरेडी। और बस मैं अभी अपना ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन होता है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, गुड नाइट।